रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर वीरल आचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह करीब 7 महीने के भीतर दूसरी बार हुआ है जब आरबीआई के किसी उच्च अधिकारी ने कार्यालय पूरा होने से पहले ही अपने पद को छोड़ दिया है। इससे पहले आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने दिसंबर में निजी कारण बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। अहम बात यह है कि डिप्टी गवर्नर वीरल आचार्य ने कार्यालय पूरा होने के करीब 6 महीने पहले ही अपने पद को छोड़ दिया है। वीरल आचार्य आरबीआई के उन बड़े अधिकारियों में शामिल थे जिन्हें उर्जित पटेल की टीम का हिस्सा माना जाता था। सूत्रों के मुताबिक वीरल आचार्य अब न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के सेटन स्कूल ऑफ बिजनेस में बतौर प्रोफेसर ज्वाइन करेंगे। बता दें कि आचार्य ने 3 साल के लिए आरबीआई के बतौर डिप्टी गवर्नर 23 जनवरी 2017 को ज्वाइन किया था। इस हिसाब से वह करीब 30 महीने केंद्रीय बैंक के लिए अपने पद पर कार्यरत रहे।